अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपका भाई उठ गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह, एक तो यहाँ के वेदर का मैं मज़ा ले रहा हूँ, विंटर का जो पिंड का माहौल है मेरे का, उसके बाद आज आ रहा है हमारा भाई हसन, तो हम उसको लेने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जी, टिकटॉक स्टार मलिक शाह साहब जो है वो अपने कारनामे अंजाम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ छोटा रिहान भी आ चुका है, उसके बाद मलिक जाहिद साहब हैं, तो इनकी डाइट स्मार्ट बॉय में भी मशहूर हो गया। जो लबे खा जाते हैं केड़ी फ्लाइट दा है? नॉर्मल एमिरेट्स है, सऊदी एयरलाइन सी, केड़ा केड़ी क्लास? क्लास बिजनेस क्लास। उनन पलियो भाई, माशाल्लाह से अपनी ये गाड़ियां खड़ी हैं यार। सब लोग पूछते हैं ये गाड़ी किसकी है, और यार ये भी हमारी अपनी है, लेकिन हम इसको बहुत कम निकालते हैं। अब जा रही है हमारी एक सोनाटा जा रही है, और उसके बाद फॉर्च्यूनर जा रही है, और उसके बाद आ चुके हैं जी अरशद साहब भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह तैयबन। तो कोई वैन से आ रहा था नहीं, वो बैंक नू छड़ो इधर ले आ, बैंक का की काम है। अस्सलाम वालेकुम, कदे ते जान छड़ दिया करो टिकटॉक दी यार, जाने छड़ दे जदों वेखो टिकटॉक, जदों वेखो टिकटॉक तो और की करिए सानू, और सारी दुनिया फेमस हो सकती है लेकिन ऐ बंदा फेमस नहीं हो सकता। क्यों ही रो बोल ओ आंदा हो गल सुन, जिन्ना भी तू आजा आया ना, ए सड़न नाल होया रेहान, क्या करना है? पापा स्टार है ना, स्टार हूं है कि नहीं? चाचू स्टार है पापा, बताओ ना, सच सच बताना है। सच्ची बताना, इकट्ठे हो गए जनाब, अब निकलने की तैयारी है। मलिक शाह साहब को हम इधर ही छोड़ रहे हैं यार, एक एक सेकंड। उसके बाद कौन से, एक माफी मांगनी है यार, पूरी कौम से हमारी हाथ जोड़ के माफी है कि हमने ये शर्ट फिर पहन लिया है जी। ते फिर तुसी होयो वेले हो, काम ते ते जायो ना, ते जो कोई गल नहीं, शर्ट ही पैसे लगे पाली यार, कोई गल नहीं। आ गए जी अपना अरशद चौधरी ना खालिद चौधरी, एदी डाई कि थू बनवाई ही, सब तो अलग ही लगता है। और भाई दिहाड़ी आज आज व्हाइट गाड़ी भी आ गई है जनाब, उसके बाद वीवो भी आ गया, तो ये चार गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ अब निकलेंगे हम यहाँ से। बाकी लव यू हो गया, लेट हो चुके हैं। ये गाड़ियाँ रेडी हैं, इस टाइम बंदे भी अपने सारे रेडी हैं, सारे भैया आ चुके हैं और अब निकलने लगे हैं, और पहले टिकटॉक की शूटिंग होगी। अभी 8:30 हो चुके हैं और हम लेट हो गए हैं, 9 बजे उसकी फ्लाइट लैंड हो जानी है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आराम से जाते हैं, कौन सा कोई उसने आके यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला कर लिया। जिन तेरे पापा का स्पीकर नहीं पाटिया पुत्र, उंज बोल, मुछ तो रखी कि मुछ दे नाल आपी भी घंटे पैना। सुनाटा पे जाना? अच्छा कोई मसला नहीं, साइड पे हो यार। सुनाटा की लुक तो दिखाएं जरा, फाइनल लुक जो है। इसका भी लोग आना था लेकिन वो भी लोग जो है ना मुझसे वो मिस हो गया है, तो ये देख सकते हैं इस टाइम सुनाटा जो है ना फुली रेडी है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से हम निकल चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 8:55 हो गए और हम लेट हो चुके हैं, और सामने गाड़ी में जो है ना वो शूटिंग चल रही है हमारी गाड़ियों की, और पीछे दो गाड़ियां आ रही है प्रोटोकॉल के साथ, और मेरे साथ बैठे हुए हैं हमजा भाई और रेहान मलिक ब्रांड। ये है जी हमारा अपना प्यारा सियालकोट, और यहाँ का वेदर तो विंटर में तो माहौल होता है भाई, अभी दूसरी सिटीज़ में गर्मी होती है और यहाँ पे विंटर से पहले जो है ना विंटर वाला माहौल बन जाता है, क्योंकि ये कश्मीर साइड पे है ना हमारा, ये सियालकोट जम्मू कश्मीर साइड, तो इस वजह से यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। गाड़ियों के टंग फुल करवा रहे हैं, ओवर माल है ना बच्चों के पास, सारा खर्चा अफोर्ड करते हैं हमें मलिक शाह साहब, खुला पैसा दे धर दे ना करो इंशाल्लाह, करीब जड़ा ना खर्चा तो कर दे। माय बॉयज माशाल्लाह जी, काफ़ी लोगों के ड्रीम है ये
गाड़ी और ये लाइट दी में उसको बिठा दिया बीच। ओए हाँ की करू नी अब वीडियो शूट करने के लिए पीछे बैठ गया। मोटरवे बंद है, उन्होंने कहा 11 बजे खुलेगा मोटरवे क्योंकि आगे बहुत ज्यादा धुंध है। ये चिल मारे आप जरा, ये प्रोटोकॉल, ये हैवी सीन। और 11 बजे मैं भी वो कह रहे हैं आधे घंटे तक हम खोल देंगे, तब तक यहाँ पे शूटिंग चल रही है, टिकटॉक वीडियोस बन रही हैं और मैं तो अपनी वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ बस। ये मुझे याद करो आ रहा है कि आपने मुझे एक पाँव पे खड़े करना था, सजा देनी थी जो इन्होंने किया था ना मेरी गाड़ी के साथ। अब वो स्टार हमारी गाड़ी के साथ वीडियो बनाएंगे जो कि इसे हेट करते थे। हाँ तो भाई को तरला डाला हुआ है भाई, ये रोज खाएंगे भाई इधर। चोट लगी है गाड़ी इधर इधर वहां मैं कर लूं। अच्छा ये हुन थोड़ा तो भाई की तरह है अभी तक बंद है यार। टेढ़े बंदे पहले ठुड्डे मार दे रहे सन, आज टाकियां मार रहे हैं। अच्छा ये बच्चे ना पहले गुजर गए हैं फिर आए हैं, और पहले वहां पे खड़े हो गए सोच रहे थे आपका कहां से आप कौन सा सारा आपको अच्छा किधर है सर। अच्छा यार ये बच्चे ट्रिप जा रही है इनकी लाहौर घूमने फिरने जा रहे हैं स्कूल ट्रिप। चलो सर को पता है कहाँ लेके जाना है इनको। अच्छा तो ये बच्चे ना थोड़े से डर गए थे ये फेस देख के ना। बच्चे डरे नहीं डरे बच्चे जा रहे हैं ट्रिप पे, बेस्ट ऑफ लक, आज का दिन आपका अच्छा जाएगा इंशाल्लाह और काफी एंजॉय करना ठीक है। अगर पैसे पूरे ना ना हो तो सर को कंप्लेन करना। बस हाँ क्या हाल है जी, ये भी इनके साथ ही है और मोटर वे नहीं खुल रही है यार। माड़ा ही जा रहे। तेनु किन्नी वारी डाइट ना करया करो, हुन भी सलाद खाना। एना गल्लां ते लोग तानू जेड़ा ना लाइक नहीं करदे यार। क्यों नहीं करदे? गलत गल्लां होणो बेचारा। सब तो पहला लाइक अंज करके मारना। और ने छोटू अच्छा जी लो ऐस बंदे ने जेड़ा ना बनारे पाकिस्तान च एंट्री दी टिकट लाती दी स्टार्ट कीती थी। ਆਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਕਰਾਓ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਚੜ ਗਿਆ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੇ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਈਓ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ 150 ਦੀ ਰੋਟੀ। आवाम यहाँ पे खड़ी है और 11 बजे का टाइम इन्होंने दिया हुआ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बच्चे आए थे, हम उनसे मिले हैं और बच्चे जा रहे हैं लाहौर घूमने। काफ़ी अच्छा टूर रहेगा इनका इंशाल्लाह। बस सब लोग बोल दिया और जाहिर साहब ने मनारे पाकिस्तान से टिकट ला दी थी। पहले तो थोड़े से बच्चे आए थे, अब और भी अपने दोस्तों को ले आए हैं सारे। पहले कौन कौन था? हाँ थोड़ा हाँ ये अब कौन कौन आया? क्या ही बात है। कौन क्या नाम है स्कूल का? बल्ले आवाज आई। चलो यार टूर जो है ना अच्छे से इंजॉय करना ठीक है, अपने सर को या जिसको भी जो भी हो। बाकी आप सब ने चिल पूरा करना ते लंगर तो हाथ थले नहीं करना। आहो 2500 दिता अज ते ऐ बंदे ने टिकट लाई मनारे पाकिस्तान च ते उत्थे नहीं जाना कहंदा तो टिकट लगी कहंदा मनारे पाकिस्तान अंदर बड़न दी टिकट है। बाकी राम ना राम ना राम ना राम ना मेरा हाथ त्रोड़ना। ओके बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। हाँ जी हसन भाई को जलील करने। बाय इंशाल्लाह थैंक यू। यार ये बच्चे कह रहे हैं हमारे साथ है जो है ना ऐसे भी लोग में हमें लेके आओ हम बाद में उठा लेंगे तो इन सबको। ओहो 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 यार ये सारे बच्चे बड़े शौकीन हैं सोशल मीडिया का शौक है आप लोगों को। चलो फिर ठीक है नेक्स्ट स्टार आप ही होंगे इंशाल्लाह। अब जब आप हमारी एज में आएंगे ना तो आप हमसे भी ज़्यादा फेमस होंगे इंशाल्लाह। ये फेमस होगा क्योंकि जरा दान निकाल अपने भाई निकाल। ये बच्चा बहुत क्यूट है यार बहुत नाइस बच्चा है। अल्लाह पाक खुश रखे आप सबको। इंजॉय करो एंड चिल बेस्ट ऑफ लक। बाबा जी सियालकोट।
गेहूँ मैं यार अब मजीद मुझसे नहीं बाहर खड़ा हुआ जा रहा, तो इसलिए मैं जरा गाड़ी में बैठने लगा हूँ और यहाँ पे बैठ के हम अपनी वीडियो अपलोड कर लेते हैं। क्यों रेहान? यस यस बिल्कुल थक गए। चीतू चीतू की देखिए चीतू थक गया बेचारा फुल। हाँ की हो गया हम भी थक गए। मैं तो नहीं थकता। आप क्यों नहीं थकते यार? मैं स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ। आप लेजी हो वो देखो। मैं भी देखो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और मैं कितना एक्टिव नजर आ रहा हूँ है ना। नींदर आ रही बहुत ज्यादा। नींदर आ रही पुत्र? नींदर नहीं आ रही नहीं सोता। ये तेरी कमजोरी है। कमजोरी नहीं इन्हें पावर आंदे ने कैपेसिटी आंदे ने। तो जाके वहां आए हैं 3-4 दिन तो लगा। 11:06 तो हो चुके हैं गाइस। साहब नहीं खोल रहा की करना जी? कुछ नहीं साडे पैसे वापस करने चली गए साडे मुल्क ते नाले बदमाशियां लाई होई ने। हां वो कह रहे ने गे धोंदे नवाज शरीफ ने ए विच की दित्ता है दसो हमनु साहब। नहीं नवाज शरीफ अगे धोंदे कादी धोंदे धूप ते साडे परेशान हुई पड़ी है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ दो चरस दे सिगरेट पी लेने वो हाथे बिस्तरे पा लेने। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रैफिक चक्कर है। बड़ी दूर तक ट्रैफिक जाम है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे इस टाइम में खड़े है कोई समझ नहीं आ रहा कोई चाय बना रहा है कोई नींदर लोग टुरन आले ने धुंद च इन्हू की ट्रक आले नु खोल के पाए होने सारिया बत्तियां बंद करके चलो। 8 हो गया रेहान भागता वो आया कह रहा जी खुल गया मोटर वे खुल गया अब भी ना ना खुला तो तेरी खैर नहीं है। अब तेरी माफी नहीं है याद रखना। अगर खुला खुला तो तुझे इनाम देंगे कुछ अच्छा सा बाइक लेके आएंगे। ठीक है ओके। 11:23 में जो है मोटरवे खुल गया और अब हम निकल रहे हैं। रेहान तुमने तो 8 पे कहा था फिर भी तुम्हारी वजह से मुझे 15 इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं यानी पार्टी पड़ गई है तुम्हें फिर? नहीं पड़ गई है भाई पड़ गई है। नहीं पड़ी। चल तो यार उन्होंने इतनी देर से एवं नहीं था मोटर पे बंद किया हुआ। वाकई बहुत ज़्यादा धुंध है और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है बड़ी सेफ्टी की है उन्होंने। फिर भी वो पब्लिक उनको फोर्स कर रही थी तो उस वजह से आई थिंक उन्होंने ओपन कर दिया है वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें भी ओपन करना चाहिए क्योंकि मोटरवे ऐसा प्लेस है जहाँ पे 200, 150, 120 की स्पीड से गाड़ियाँ जाती हैं। अगर एक का भी एक्सीडेंट हुआ तो समझो लाइन लग जाएगी। भाई कह रहे थे कि धुंध नहीं है लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों ने देखा दो गाड़ियाँ हमारे पीछे रह गई हैं। वैसे 12:30 हो चुके हैं हसन की फ्लाइट 9 लैंड हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। क्यों जी? ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई है तो चलो कोई नहीं। मैं तो सुबह बस थोड़े से रस खा के आया था रस गा लिया हमने वो भी नहीं खाए। इसके बाद हमारा भाई है हसनात उसकी तरफ हमारा खाना है तो हमने उधर जाना है इंशाल्लाह। फिर वहाँ का भी ब्लॉग एक अलग ही बनाएंगे। जा रहे थे ये भाई हमें मिल गए हैं स्पेशल खड़े थे थैंक यू सो मच खड़े होने के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। कोई मसला नहीं मैं आपका इसीलिए वेट कर रहा था कि आप कोई मसला नहीं आप जाएं हम वापसी मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैं आपसे मिलता हूं फिर ओके इंशाल्लाह। अच्छा मेरी ये भाई की मोहब्बत है कि वो काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे थे और हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो इस वजह से उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी। उसके बाद ये एक भाई साइड पर गाड़ी ले गए हैं ये भी अपने जनाब चाहने वाले हैं। जगह जगह लोग जो है वो रोक रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है पास वरना मेरा दिल करता मैं सबको मिल के जाऊँ। कोई नहीं अल्लाह पाक खैर करें फिर कभी मिल लेंगे सबको। वो सामने रहा एयरपोर्ट वो सामने नजर आया रेहान हसन की तो वाट लगी होगी आज बेचारा।
माशाल्लाह। हम यहाँ पे पहुंच तो गए हैं लेकिन अभी भी अपनी वीडियोस के चक्कर में हैं, ये देख सकते हैं। सब लोग ये पूछते हैं कि इतनी एक बंदे को लेने के लिए इतनी गाड़ियाँ क्यों जाती हैं। रीजन ये होता है कि एक गाड़ी में इतने ज्यादा बंदे पूरे नहीं ना आ सकते और ना ही वो एंटर होने देते हैं, इसलिए जो है ना इसलिए हर गाड़ी में दो दो बंदे बैठे होते हैं, आसानी से जो है ना सारे एंटर हो जाते हैं, वरना वो रोला ही बन जाता है। वैसे जिन्हें असी लेट हो गए ना इस टाइम फुल तपया, उन्हें मैनू कहा सी कि मैनू फोन करके कह रहे कितने रह गए हो, कितने रह गए हो। छे कैमरे दिए हुए हैं जनाब मलिक साहब के, दो कैमरे हैं, एक हमजा का है, एक जाहिद का है, और सबके बारी बारी। यार हसन चौधरी नजर नहीं आ रहा। हसन बॉय बाहर आओ, ओ हसन बॉय किधर है यार, किधर है यार। हम पहुंच तो चुके हैं लेकिन हसन भाई नजर नहीं आ रहे। रेहान भाई yes? हसन भाई नजर नहीं आ रहे। मेरा तो ऊपर ही है। ऊपर नहीं यार, वो नीचे आना था उसने, ऊपर वो क्या काम, अब इधर क्या करेंगे, हम टेंशन ही बनी हुई। सारी बरात उस साइड पे जा रही है, कह रहे हैं उस साइड पे खाना लगा हुआ है। हसन भाई हरामी ओ खलोता। इस साइड पे रेहान, इस साइड पे ओ खड़ा सामने या हसन भाई या हरामी। लाल दो हो गए नी, चेक कर, रेड दो हो गए नी, रेड दो हो गए नी, दो हो गए नी रेड। फाइनली भाई हमारा पहुंच चुका है और भाई की शक्ल देखो, समझ रहे हो ना जी। भाई जान कैसा रहा आपका सफर? छह साल ले ला पहले बच्चे नु साह चढ़ गया, जफी तरह घुट के पै गई मुकाबलेबाजी। ए ना वेखो क्या दा कद दे ए, ये बच्चा है कल दा, बड़ी जलालत होई तुहानू नहीं होई नाल तो सानू भी बड़ी होई है। नहीं कौन सा सरप्राइज रखा है इसके लिए? आज दी भाई ते वीडियो बना दिए कौन से पायो रेहान कहता गाड़ी में जाकर बताता हूँ कौन सा सरप्राइज है। तो फाइनली जी हसन चौधरी पहुंच चुका है। और कितने घंटे वेट किया आपने? कोई पता नहीं होंगे, मेरे ख्याल में कुछ 7-8 फ्लैट आ गए, उम्र वाले भी तुर गए, गल तुर गए, नाश्ता सारी कोई नहीं किया किसान। ऐसा भी ये जो लाहौर का एयरपोर्ट है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छांगे मांगे आए हुए ऐसे जैसे बस स्टैंड है, ठीक है। मेरा तो दिल कर रहा है आवाजें लगाने को, कौन सी कुत्ते। फाइनली मैंने अपने भाई को रिसीव कर लिया, भाई नु ले लिया, किंज जलील की सुबह 9 बजे की फ्लैट उतरी, उतू 2 बजे आने ते भाई नु मैं रिसीव कर लिया, अकल नु हाथ मार यार, अपनी 10 मिनट नहीं तुसी रिसीव कर दे तू, ओ जा काम कर जाके, चल कुछ नहीं हुंदा। मैं तेनू की कहन दे, धंद दा भी तेनू फायदा है बड़े, अगे तेरा रंग काला है तू काला नहीं होएगा, चल काले करमाले हुंदे ने, तू कोई टेंशन नहीं, तू जा पता हो, आई लव यू सो मच माय जान, आई लव यू नहीं खत्म, चल ठीक है मैं निकल, चल 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 निकल तू, चल चल चल
ओके तो ये वाला व्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, हसन भाई पहुंच चुके हैं। तो फाइनली कैसा रहा सफर आपका, ये भी बता दें। बताएंगे इनको ना आगे, अभी खत्म। ओके तो अभी हम जा रहे हैं, हमारा खाना है तो अपने भाई की तरफ, तो वहाँ पे जाएंगे और इंशाल्लाह जो है ना फिर नेक्स्ट व्लॉग डालते हैं आप लोग के लिए, काफी हैवी किस्म का। बाकी लव यू हो गया, ऐसे ही भाइयों को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए। अच्छा ये व्यू तो आपको दिखाना भूल ही गए हैं, ये सारी गाड़ियां हमारी देखे कैसे लाइन में लगी हैं, पहले भी ऐसे लगी रहती हैं, ये स्पेशली किया तो जनाब की है ना, हंदले साहब की। हां जी हंदले साहब।